ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि पार्टी को एकजुट करने के लिए वे जी तोड़ मेहनत करेंगे। पार्टी के हर कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न भी किया जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं में चल रहे मतभेद को मिटाने का प्रयत्न किया जाएगा। मनीष गुप्ता ने एच टुडे के साथ विशेष बातचीत के दौरान बताया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी द्वारा जिस भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल प्रदेश की प्रभारी रजनी पाटिल जी, सुजानपुर के जो हमारे माननीय सम्माननीय विधायक हैं श्री राजेंद्र राणा जी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करकर मुझे पार्टी का कांग्रेस विधानसभा सुजानपुर का जो अध्यक्ष बनाया है। और मैं पूरा उम्मीद से और राजेंद्र राणा जी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस योग्यता के आधार पर उन्होंने मुझ पर विश्वास करके जो मुझे अध्यक्ष पद का जो विराजमान करवाया है, मैं उसमें अच्छा उस पद को निभाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। आप सभी भलीभांति जानते हैं जब एक परिवार होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है, तो उसमें कुछ बातें हो जाती हैं। तो ये बात नहीं है जो हमारे कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं कि वो कल को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमसे जो कांग्रेस पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मैं कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद जताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जो लोग हैं जो किन्हीं कारणवशों से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मैं उनको लाने की पूरी कोशिश करूँगा और वो मेरे साथ पूरे संपर्क में है। और उन्होंने मुझसे वायदा भी किया है कि वो चुनाव के दौरान वो कांग्रेस पार्टी का दोबारा से धाम पड़ेंगे। और ऐसी बात होती है, आपको पता है, कुछ जाते हैं कुछ आते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर 4-5 लोग गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है कम से कम सैकड़ों लोग जो वो कांग्रेस पार्टी राजेंद्र राणा की अनुगाई में और मेरी अनुगाई में जो कांग्रेस पार्टी में, पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इस लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे सुजानपुर विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सबको एकजुट होकर लेके चलेंगे। हर बूथ पे, हर पंचायत पे, हर जगह पे अपनी मीटिंगें करेंगे, जिससे हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कराएंगे। जो कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, हाईकमान जिसको भी कांग्रेस पार्टी का टिकट देगी, हम उसका दिल से स्वागत करेंगे और उनका तहे दिल से उनका साथ देंगे। पार्टी एक अलग जगह होती है और एक भाईचारा अलग होता है। मैं पार्टी से पहले पार्टी ने तो मुझे अभी फिलहाल 10-15 दिन पहले सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है, लेकिन मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, हर लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होता है। मैं उस दृष्टि से नहीं देखता हूँ कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस पार्टी का है, कौन किसी पार्टी का है। मेरे सबके साथ एक फैमिली संबंध है और मुझे पूरी आशा है और पूरी उम्मीद भी है कि मैं जिस भी जो व्यक्ति को बोलूँगा वो मेरा तय दिल से मेरे साथ चलेंगे। कुछ लोगों की एक दिल मिले की बात होती है, वो पार्टी के साथ नहीं चलेंगे लेकिन विशेष व्यक्ति के साथ चलेंगे। और जहाँ तक वोटों की बात होंगे, हमारे सबके साथ एक पारिवारिक संबंध है, तो वोट भी हम कांग्रेस पार्टी को वो डलवाएंगे।